स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हमारे खास बुलेटिन कोरोना अपडेट में हम आपको देश दुनिया और प्रदेश के आंकड़ों से रूबरू कराएंगे, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है देश में, दुनिया में और प्रदेश में। सबसे पहले बात हरियाणा की करते हैं। प्रदेश की कुल मरीजों की जो संख्या है यहाँ पर 1,26,974 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 1,356 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, 1,10,814 लोग फिलहाल प्रदेश में रिकवर हो चुके हैं। ये हरियाणा के हम आपको ताजा आंकड़े बता रहे कि हरियाणा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। कोरोना की रफ्तार पर क्या वाकई ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो कुल मरीजों की संख्या है उसमें कल की तुलना में इजाफा देखने को मिला है। कुल मरीजों की जो संख्या है 1,26,974 पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा 1,356 है और ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, कोरोना को मात किन लोगों ने दी है, 1,10,814 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। यह हम आपको हरियाणा की ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा में क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर। देखिए हरियाणा की रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो पहले से थोड़ा सा बेहतर सुधरा हुआ नजर आया, लेकिन जिलों की स्थिति क्या कह रही है। गुरुग्राम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कुल जो मरीजों की संख्या 20,431 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 171 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक कितने लोग हुए हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 17,850 लोग फिलहाल गुरुग्राम में रिकवर हो चुके हैं। ये गुरुग्राम के हम आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि गुरुग्राम में स्थिति क्या कह रही है कोरोना को लेकर। कुल मरीजों की संख्या देख सकते हैं 20,431 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 171 लोगों की फिलहाल अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, 17,850 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। ये गुरुग्राम के हम आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार पर क्या वाकई ब्रेक लगा है। आंकड़ों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कोरोना की रफ्तार है उस पर ब्रेक नहीं लगा, लेकिन हाँ रिकवर जो मरीज है उनकी संख्या में थोड़ा सा इजाफा कल की तुलना में देखने को मिला है, लेकिन कुल मरीजों की जो संख्या है वो स्थिति को अभी भी चिंताजनक बना रही है। 20,431। फरीदाबाद के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए फरीदाबाद में कुल मरीजों की जो संख्या है 19,664 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 217 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक रिकवर कितने लोग हुए, 18,186 लोग फिलहाल फरीदाबाद में रिकवर हो चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि फरीदाबाद ही सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो नजर आ रहा था पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें, लेकिन फिलहाल यहां पर जो स्थिति है वो पहले से थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन कुल मरीजों की संख्या में कल की तुलना में इजाफा देखने को मिला है। 19,664 कुल मरीजों की संख्या, मौत का आंकड़ा 217 है। ठीक 18,186 लोग हुए, यानी कि इतने लोग रिकवर हो चुके हैं। सोनीपत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है सोनीपत में 8,142 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 44 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक कितने लोग हुए, यहां पर 7,453 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। हम आपको सोनीपत के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि सोनीपत में कोरोना की स्थिति क्या कह रही है, क्या वाकई सोनीपत में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। आप देखिए कुल जो मरीजों की संख्या है 8,142 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जो स्थिति को भयावह बनाती है, यानी कि चिंताजनक बना रही है। मौत का आंकड़ा 44 पहुंच चुका है, ठीक 7,453 लोग ही हुए हैं। ये हम आपको सोनीपत के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि सोनीपत में जो फिलहाल स्थिति है वो क्या कह रही है। अंबाला की स्थिति पर हम नजर डालते हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है 7,837 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 90 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, 6,840 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। हम आपको ताजा आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है। पानीपत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की संख्या 7,279 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 73 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक कितने लोग हुए, 6,430 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। ये ताजा आंकड़े हैं आज के कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल कोरोना को लेकर जिलों में बनी हुई है। पानीपत के आंकड़ों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, साथ ही करनाल की स्थिति क्या कहती है। कुल मरीजों की जो संख्या है यहां पर 7,259 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 104 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक कितने लोग हुए हैं, 6,298 लोग जो है फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। हम आपको करनाल की ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि करनाल में कोरोना को लेकर स्थिति क्या कह रही है। हिसार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की संख्या यानी कि टोटल केसेस यहाँ पर 6,045 है। 59 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 4,789 लोग जो है फिलहाल ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। ये ठीक मतलब रिकवर होकर कितने लोग अपने घर जा चुके हैं। तो हिसार का जो आंकड़ा है वो भी अभी भी स्थिति को चिंताजनक इसलिए बना रहा है क्योंकि यहां पर रिकवरी रेट
पहले से भी बेहतर नजर नहीं आ रहा है। कुल मरीजों की संख्या आप देख सकते हो, रिकवर मरीजों की संख्या आप देखिए कितने का अंतर आपको नजर आ रहा है, और साथ ही मौत का आंकड़ा जो है वो भी स्थिति को चिंताजनक बनाता है। पंचकुला के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या यहाँ पर 5879 है, और साथ ही मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 86 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 4927 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना से जंग जीत चुके हैं। ये हम आपको पंचकुला के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि पंचकुला में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है। रोहतक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की जो संख्या यहां पर 5847 है, मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 62 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए हैं, 4999 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। ये रोहतक के आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि रोहतक में कोरोना को लेकर स्थिति क्या कह रही है, क्या वाकई रोहतक में पहले से सुधार है। आप देखिए मौत का जो आंकड़ा यहाँ पर 62 पहुंच गया, लेकिन कुल मरीजों की संख्या 5847 है, और ठीक रिकवर जो हुए हैं उनमें भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी में कुल मरीजों की संख्या केसेस 5628, मौत का आंकड़ा 27 है, और ठीक 5000 लोग हुए हैं। देखिए रेवाड़ी की स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है, कुल मरीजों की जो संख्या यहाँ पर 5628 है, मौत का आंकड़ा 27 है, और ठीक कितने लोग हुए, 5000 लोग फिलहाल कोरोना को मात दे चुके हैं, यानी कि रिकवर हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुरुक्षेत्र में कुल मरीजों की संख्या 5511 है, मौत का आंकड़ा कह रहे हैं 90 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 4677 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, मतलब कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कह रहा है कि 90 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, अपनी जान गवा चुके हैं, और कुल मरीजों की जो संख्या है यहाँ पर 5511 है। यमुनानगर के आंकड़े क्या कहते हैं, कुल मरीजों की संख्या जो यमुनानगर में है 4124 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 69 लोगों की मौत हो चुकी है, और साथ ही देखिए ठीक कितने लोग हुए, यहाँ पर 3526 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। ये यमुनानगर के हम आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि यमुनानगर की जो स्थिति है वो क्या कह रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या 4124 है, और यहाँ पर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3526 है। ये यमुनानगर की ताजा आंकड़े कोरोना को लेकर यमुनानगर में स्थिति क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। जो मौत का आंकड़ा है वो भी स्थिति को चिंताजनक बना रहा है, क्योंकि 69 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है यमुनानगर में कोरोना से, लेकिन रिकवरी रेट यहाँ पर पहले से बेहतर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुल मरीजों की संख्या में एक तरफ इजाफा, रिकवरी रेट वहां पर कम दिखाई दे रहा है। सिरसा के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, सिरसा में हर दिन एक नया मामला निकलकर सामने आता है, कुल मरीजों की संख्या 3693 है, मौत का आंकड़ा 7 है, ठीक कितने लोग हुए, 2971 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि कोरोना से जंग जीत चुके, लेकिन कुल मरीजों की संख्या टोटल केसेस सिरसा में 3693 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 60 लोगों की मौत हो चुकी है, और ठीक कितने लोग हुए, 2971 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। हम आपको सिरसा के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि सिरसा में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है। महेंद्रगढ़ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की जो यहां पर संख्या है 3411 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 7 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, यहां पर 2881 लोग फिलहाल यहां पर ठीक हो चुके हैं, यानी कि रिकवर हो चुके हैं। और साथ ही भिवानी के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो भिवानी में कुल मरीजों की संख्या 2721 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 35 लोगों की मौत हो चुकी है, सारी ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, 2442 लोग जो है फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। हम आपको भिवानी के ताजा आंकड़े बताने कि भिवानी में कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो क्या कुछ कह रही है। जो मौत का आंकड़ा है आप देखिए यहां पर 35 पहुंच चुका है, लेकिन ठीक 2442 लोग ही हुए हैं, कुल मरीजों की संख्या में इजाफा 2721, कुल मरीजों की संख्या भिवानी में बनी हुई है। साथ ही पलवल के आंकड़ों पर चलिए अब नजर डालते हैं, पलवल में कुल मरीजों की जो संख्या है 2565 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 16 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, 2442 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। ये हम आपको पलवल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि पलवल में स्थिति क्या है। झज्जर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या 2464 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 21 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, 2195 लोग जो है फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। कैथल के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, कुल मरीजों की संख्या 2419 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 40 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, यहां पर 2036 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। यह हम आपको ताजा आंकड़ों से रूबरू करा रहे कि क्या कुछ आंकड़े क्या कुछ स्थिति कहते हुए नजर आ रही है। फतेहाबाद के आंकड़ों पर चलिए एक बार नजर डालते हैं, कुल मरीजों की जो संख्या यहां पर 2295 है, मौत का आंकड़ा 34 पहुंच चुका है, ठीक 1896 लोग हुए हैं, यानी कि रिकवर
1896 लोग हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कह रहा है कि 34 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जींद के आंकड़ों पर देखिए नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या टोटल जो केसेज यहाँ पर बने हुए हैं वो है 2059 और साथ ही मौत का आंकड़ा कह रहा है 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 1565 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। नू के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, नू में जो कुल मरीजों की संख्या है वो 1102 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 22 लोगों की मौत हुई है। ठीक कितने लोग हुए यहाँ पर, 1012 लोग फिलहाल यहाँ पर ठीक हो चुके हैं यानी कि नूह में भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी की अगर हम बात करें कुल जो मरीजों की संख्या यहाँ पर बनी हुई है, देखिए कुल मरीजों की संख्या टोटल केसेस 599, मौत का आंकड़ा कह रहा है 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 399 लोग ठीक हुए यानी कि अगर हम प्रदेश की हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे का आंकड़ा स्थिति को डरा रहा है, लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि रिकवरी रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम कोरोना को ब्रेक कर सकेंगे, कोरोना की चेन को तोड़ सकेंगे। लेकिन फिलहाल हरियाणा में कोरोना की रफ्तार में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना से जुड़ी ताजा अपडेट भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हरियाणा में 1562 नए केस सामने आ गए हैं और साथ ही कोरोना से 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, कोरोना का जो आंकड़ा है 1,26,974 पहुंच चुका है, अब तक 1,10,814 मरीज रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रदेश में 14,804 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। तो हरियाणा में 1,562 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना से 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो भी स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। ये हमने आपको प्रदेश के आंकड़ों से रूबरू कराया, लेकिन देश के आंकड़े क्या कहते हैं, भारत में स्थिति कोरोना को लेकर क्या कुछ बनी हुई है, तो नजर डाल लेते हैं भारत में, देश में आंकड़े क्या कह रहे हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है 62,23,519 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 97,529 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कितने लोग हुए, 51,84,634 लोग फिलहाल रिकवर हुए हैं। भारत का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है, लेकिन भारत में कोरोना की रफ्तार भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अमेरिका के बाद भारत जो है दूसरे नंबर पर बरकरार है, ब्राजील के को भी पछाड़ दिया भारत ने, लेकिन रिकवरी रेट के मामले में अगर हम बात करें तो भारत सबसे बेहतर है। लेकिन भारत में भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, अन्य राज्यों में स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, तो महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 13,66,129 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है कि 36,181 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए हैं, 10,69,100 से ज्यादा जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं, 159 लोग जो हैं यानी कि 10,69,159 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके। ये हम आपको महाराष्ट्र के आंकड़े बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में स्थिति क्या कहती है, देखिए कुल मरीजों की संख्या यहां पर 6,87,351 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 5,780 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 6,22,136 लोग फिलहाल यहां पर रिकवर हो चुके। कर्नाटक के आंकड़ों पर नजर डालते, कर्नाटक में स्थिति क्या कह रही है, कर्नाटक में कुल मरीजों की जो संख्या है 5,92,911 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 8,777 लोगों की मौत हो चुकी। ठीक कितने लोग हुए, रिकवर कर्नाटक में कितने लोग हुए, 4,76,398 लोग जो है वो रिकवर हो चुके हैं। तमिलनाडु के आंकड़ों पर नजर डालते, कुल मरीजों की संख्या अगर हम देखें तो 5,91,943 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 9,453 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 5,36,209 लोग जो हैं फिलहाल तमिलनाडु में रिकवर हो चुके हैं। ये तमिलनाडु के हम आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि तमिलनाडु में कोरोना को लेकर स्थिति क्या बनी है। उत्तर प्रदेश यूपी के आंकड़ों पर नजर आते हैं, कुल मरीजों की संख्या 3,94,856 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है कि 5,717 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, ठीक कितने लोग हुए हैं, 3,36,981 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। मौत के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 5,715 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन कुल मरीजों की जो संख्या है यहां पर उत्तर प्रदेश में इजाफा देखने को मिल रहा है टोटल केसेस में। दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालते, कुल मरीजों की जो संख्या है 2,76,325 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 5,320 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 2,43,481 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। ये दिल्ली के हम आपको
ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति क्या कह रही है। पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो कुल मरीजों की संख्या है 253,768 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 4,899 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 222,805 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। ये हम आपको पश्चिम बंगाल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है। बिहार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, देखिए बिहार में तेजी से कोरोना की रफ्तार हमने देखा था बढ़ते हुए। कुल मरीजों की संख्या 1,81,471 है। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है, 894 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही ठीक कितने लोग हुए, 1,67,890 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। हम आपको बिहार के ताजा आंकड़े बता रहे हैं। राजस्थान की स्थिति क्या कहती है, 1,33,119 कुल मरीजों की संख्या है, टोटल केसेस है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 1,471 जो है मौत का आंकड़ा राजस्थान में पहुंच चुका है। और वहीं ठीक कितने लोग हुए, 1,11,272 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। पंजाब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, 1,12,460 कुल मरीजों की संख्या है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 3,359 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए, 92,277 लोग फिलहाल पंजाब में रिकवर हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थिति क्या है कोरोना को लेकर, कुल मरीजों की जो यहां पर संख्या है 14,747 है। मौत का आंकड़ा 178 है। और साथ ही ठीक कितने लोग हुए, 10,971 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके। चंडीगढ़ के आंकड़ों पर नजर डालते, कुल मरीजों की जो संख्या यहां पर 11,816 है, 158 लोगों की मौत हो चुकी है, 9,598 लोग जो है यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। ये हम आपको चंडीगढ़ के ताजा आंकड़े बता रहे हैं, यानी कि भारत में भी कोरोना की रफ्तार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 24 घंटे का जो आंकड़ा है भारत का, वो स्थिति को चिंताजनक और डरावनी बनाता है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार में हम तेजी से बढ़ोतरी देख रहे हैं। 24 घंटे में 69,668 केस सामने आए हैं। एक दिन में 775 लोगों की मौत, कुल मरीजों की जो संख्या 61,43,019 पहुंच चुकी है। अब तक 50,98,573 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी कि देश में 9,47,235 केस अभी भी एक्टिव है। कोरोना की ताजा अपडेट की क्या कुछ स्थिति भारत में बनी हुई, 24 घंटे का आंकड़ा अभी भी कोरोना रफ्तार है उसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल हमने आपको देश और प्रदेश के आंकड़ों से रूबरू कराया, दुनिया में आंकड़े कोरोना की रफ्तार को लेकर क्या कहते हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक के।